जहरीली शराब पर जो भी मौत होगी सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगा और ऐसे लोग पर एनडीए की सरकार में दबिश बनी है। सिवान और छपरा में जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है। अब तक 20 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं मौत होगी तो कार्रवाई करेंगे। जहरीली शराब पर जो भी मौत होगी सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगा और ऐसे लोग पर एनडीए की सरकार में दबिश बनी है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हुई है। शराब पीने से तबीयत खराब होने के बाद लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक के बाद एक मौतें होती चली गई। किन्हीं की आंखों की रोशनी चली गई तो किसी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बता दें कि जहरीली शराब से होने वाली मौतों की तादाद अब बढ़ रही है। इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जहरीली शराब पर जो भी मौत होगी सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगा और ऐसे लोग पर एनडीए की सरकार में दबिश बनी है, और कहीं से कोई शिकायत आएगा तो ये माफिया और ये अफसर दोनों नपेंगे। इधर जहरीली शराब से हो रही मौत के बाद लगातार विपक्ष हमलावर है। आरजेडी और कांग्रेस ने तो शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी है और लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिहार सरकार ने हाल ही में कबूल किया है कि अप्रैल 2016 में राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद अवैध शराब के सेवन से 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। अब सवाल यह है कि जहरीली शराब से इस तरह की संदिग्ध मौतों की खबरें लगातार आती रहती है, तो क्या सरकार इसकी समीक्षा करेगी? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।